नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आल ई मित्र सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनधन खातों में आए 500 रुपए। दोस्तों, केंद्र सरकार ने अब तक डाले 782 करोड़ रुपए। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। केंद्र ने महिला लाभार्थियों के जनधन खातों में 782 करोड़ रुपए जमा कराए। गरीब कल्याण योजना के तहत जमा राशि लाभार्थी कभी भी निकाल सकते हैं। देश में कोरोना महामारी के संक्रमण की रोकथाम के लिए किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों की सहायता उपलब्ध करने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राजस्थान में महिला लाभार्थियों के जनधन खातों में 782 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा करवाई गई। कुल 1,56,44,443 महिलाओं के जनधन खातों में 500 रुपए की राशि जमा कराई गई। राज्य स्तरीय बैंकर समिति के सहायक महाप्रबंधक सीपी अग्रवाल ने बताया कि सभी पात्र महिला खाताधारकों के खाते में राशि जमा हो चुकी है। प्रदेश में जरूरतमंदों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार इस राशि को निकालना भी शुरू कर दिया है। यह राशि बैंक शाखाओं के अलावा ATM और बैंक मित्रों से भी निकाली जा सकती हैं। अग्रवाल ने खाताधारकों से अपील की है कि जरूरत होने पर ही अपनी राशि निकालें। आश्वस्त किया है कि बैंकों में राशि पूरी तरह सुरक्षित है। अग्रवाल ने इन अफवाहों को बेबुनियाद बताया कि खाते से पैसा नहीं निकाले जाने की स्थिति में सरकार द्वारा इसे वापस ले लिया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज वित्त मंत्री द्वारा 26 मार्च 2020 को घोषित किया गया था ताकि लॉकडाउन के दौरान लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जरूरी सहायता मुहैया कराई जा सके। पैकेज के तहत अब तक 32 करोड़ 32 लाख लोगों को 29,352 करोड़ रुपए की राशि सीधे भेजी जा चुकी है। इस पैकेज में महिला जनधन खातों में पात्रता अनुसार राशि जमा कराना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अग्रिम किस्त किसानों के खाते में जमा कराना, विधवाओं, दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा उपलब्ध कराना तथा भवन एवं निर्माण श्रमिकों को सहायता प्रदान करना शामिल है। अब दोस्तों, आपने देखा कि अब तक राजस्थान में कुल 1,56,44,473 महिलाओं के खाते में 500 रुपए की राशि डाल दी गई है और दोस्तों 782 करोड़ रुपए से अधिक राशि यहां पर जमा कर दी गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राजस्थान में महिलाओं के खातों में पैसे आने भी शुरू हो चुके हैं, एक एक सभी के खातों में आने लग गई है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।